चीन से जुड़े अंतिम सीमांत गांव में उत्तराखंड की नारी शक्ति को मिला है सम्मान। प्रदेश की 13 बेटियों को धामी सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी सम्मान दिया गया। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड की 13 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। वहीं राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार के लिए प्रदेश भर से 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुना गया। इसके बाद हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सभी चयनित महिलाओं को सम्मानित किया। चीन से जुड़े अंतिम सीमांत गांव में सड़क जोड़ने का कार्य आपके द्वारा किया गया है। 72 वर्ष की आयु में भी सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिलाओं में प्रदेश की पहली गढ़वाली महिला संगीत अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली देहरादून की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल शामिल है, तो गुलदार के हमले से अपनी सास को बचाने वाली रुद्रप्रयाग की विनीता देवी भी हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अल्मोड़ा की प्रीति गोस्वामी, बागेश्वर की नेहा देवली, हरिद्वार की संगीता राणा, पौड़ी की अंकिता ध्यानी को तीलू रौतेली सम्मान मिला। पैरा बैडमिंटन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उधम सिंह नगर की मनदीप कौर को सम्मानित किया, तो विज्ञान के क्षेत्र में नैनीताल की सुधा पाल, हस्तशिल्प के क्षेत्र में योगदान के लिए चमोली की नर्मदा देवी रावत, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए चंपावत की सोनिया आर्या, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए पिथौरागढ़ की शकुंतला दत्ताल, टिहरी गढ़वाल की रीना उनियाल और उत्तरकाशी की गीता गैरोला को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में अपने अभूतपूर्व योगदान से प्रदेश का मान बढ़ाने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। आज उत्तराखंड का वीरांगनाओं को समर्पित रितु रौतेली पुरस्कार जो है दिया गया है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं रेखा आर्या जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका शीर्ष पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हमारे 13 जनपदों से 13 ऐसी वीरांगनाएं महिलाओं को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन निर्णय लेते हुए बेहतरीन चुनौतियों का सामना करते हुए महिलाओं के लिए आदर्श स्थापित किया है। उन्हीं महिलाओं को आज सम्मान तीलू रौतेली पुरस्कार के रूप में दिया गया है। निश्चित रूप से ये सम्मान उनके जीवन की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत शुभकामना देती हूँ। ठीक इसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार भी 32 महिलाओं को दिया गया है, जो कि उनके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाने के दृष्टिकोण मिला है, तो मैं बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बधाई दूँ। मैडम आप स्पोर्ट्स कोटे से भी आती हैं, आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी हैं। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो विनेश फोगाट की स्थिति है, एक और पूरा देश अफसोस बना रहा है, दूसरा संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या मानती हैं मैम? देखिए मैं इसे मानती हूँ कि कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है, तो ये केवल विनेश फोगाट ने पूरी मेहनत करी, देश को उन पर गर्व है। वो पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचना ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। हम उसे हार के भी जीता हुआ मानते हैं और वे हमारे दिलों में निश्चित रूप से एक श्रेष्ठतम खिलाड़ी के रूप में हमेशा सम्मानित मानी जाएंगी। और मैं मानती हूँ कि ये केवल और केवल जो है एक भाग्य में नहीं होगा या दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये घटना रही। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या, जो बता रही थी कि विनेश फोगाट की जो हार है उसको दुर्भाग्य और भाग्य कहीं ना कहीं इसकी वजह रहा होगा, लेकिन उनका सम्मान और जो उनका जज्बा है उसको वो दिल से सलाम करती हैं। कैमरा पंकज तलवार, साथ में रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।